सर अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं हो रहा आप मेरे सास ससुर से फोन पे बात कर सकते हैं। मसूरी में रहते हूँ। नंबर दीजिए और हॉस्पिटल का नाम भी। सर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं। पवन दहिया ने समर्पण कॉलोनी से आपके घर के बाहर से रात 11 बजे अपनी पत्नी करुणा को फोन करके ये कहा। हाँ हाँ करुणा निकल रहा हूँ, 11:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन 12:45 बजे उसका फोन उसी कॉलोनी में स्विच ऑफ हो गया और अगले दिन हमें उसकी जली हुई कार मिली। कार में कंकाल था। सर मैं एक बार आपसे फिर से कह रहा हूँ मेरा इस मर्डर वर्डर से कोई लेना देना नहीं है। पवन भैया मेरे एक अच्छा दोस्त था, करीब 9 साल से हमारी दोस्ती थी, MBA हम लोगों ने साथ में ही किया और इतने अरसे बाद वो उस शाम मेरे घर आया था और उसी रात पवन भैया को जलाकर राख कर दिया गया। अजीब इत्तफाक है। इत्तफाक तो है सर। क्या गेम चल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं सर। क्या पवन भैया वाकई में मारा गया? सर आपने ही मुझे फोन पे बताया कि पवन मारा गया है, उसकी गाड़ी समेत उसको जला दिया गया है। अब आप मुझसे ही सवाल कर रहे हैं कि पवन मारा गया है? नहीं, मैंने पूछा कोई गेम तो नहीं खेला जा रहा। सर उस शाम पवन मेरे घर आया था, हम दोनों ने 2-4 ड्रिंक्स लिए, उसके बाद वो चला गया। इसके अलावा मुझे कोई गेम वेम नहीं पता सर। सर मसूरी सिविल हॉस्पिटल से पता किया है, ये सच बोल रहा है, इसका ससुर वाकई में बाथरूम में गिर गया था, फ्रैक्चर हुआ था उसे। ये और इसकी बीवी रात को ही मसूरी पहुंच गए थे, जब उसका ऑपरेशन हुआ ये वहीं था। आपने और पवन दहिया ने 9 साल पहले एक साथ MBA की थी राइट? जी सर। उस वक्त पवन दहिया की कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं सर, MBA स्टडीज में इतना टाइम ही कहाँ मिलता। पवन दहिया की शादी के पहले या उसके बाद? सर इतनी पर्सनल डिटेल्स नहीं जानता उसके बारे में। हाँ मैं उसकी शादी में ज़रूर गया था, उसके बाद 1-2 बार मिले हम लोग और फिर सीधा 1 जुलाई को। सर आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन की हुई है फिर तो आपको मालूम होगी एक बात ज़रूर। कौन सी बात? सर पवन की पहले एक लड़की से एंगेजमेंट हुई थी, लव था दोनों के बीच, फिर ब्रेकऑफ हो गया। कौन थी ये लड़की? आरती राणा। कहाँ रहती है आरती राणा? इसका कोई फ़ोन नंबर है आपके पास? नहीं सर मुझे तो नहीं मालूम, मुझे बस इतना पता है कि वो पवन की गर्लफ्रेंड थी, दोनों की एंगेजमेंट हुई और फिर टूट गई। हेलो सुनील, तुमने हमें कभी आरती राणा के बारे में बताया क्यों नहीं? क्या बताता उसके बारे में? यही बताते कि उसकी तुम्हारे भैया सुनील के साथ सगाई हुई थी और फिर सगाई टूट गई। 7 साल पहले टूटी थी सर और तब से लेके अब तक हमें से किसी का कोई कनेक्शन नहीं रहा उनके साथ। तुम सबका नहीं था, दिल तो तुम्हारे भैया ने लगाया था। मानता हूँ सर, लेकिन पवन भैया उसे भुला चुके थे। लेकिन अब तुम याद करो और इस आरती राणा के बारे में हमें डिटेल में बताओ। सर यही पेपर्स चाहिए थे ना आपको? हाँ। सर वो बात अब मायने नहीं रखती तो बताना जरूरी नहीं समझा। तुम्हारे भाई पवन का कत्ल हुआ और जब तक हमारे हाथ में DNA रिपोर्ट नहीं आ जाती उस कंकाल को हम तुम्हारे भाई पवन का कंकाल मान रहे हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि पवन भैया जिंदा है? जिस तरह से ये सारा ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, एक जले ही कार, कंकाल, तरुण की धमकी, जलाकर राख कर दूंगा, ये किसी मर्डर मिस्ट्री नावल या सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तुम हमें ये बताओ आरती राणा कौन है, क्या है, कहाँ रहती है और इसकी तुम्हारे भाई पवन से सगाई क्यों टूटी थी? सर वो देहरादून की लड़की, उसके पापा आपके पुलिस फोर्स के ही हैं, रिटायर्ड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा। आरती के पापा यानी सुरेंद्र चाचा और मेरे पापा जिगरी दोस्त हुआ करते थे। विक्रम क्या हो गया है पवन को? एक्चुअली राजपुरा गाँव में हम पड़ोसी थे। अरे विक्रम आ गए, क्या बात है यार, आज तो साथ में हाथ मुंह धो लो, चाय पीते हैं। 5 मिनट में आता हूँ। ठीक है मैं इंतजार करता हूँ।
अरे पूर्णिमा, दो कप चाय चढ़ाना, विक्रम भी आया है। पवन भैया, आरती और मैं, हम सभी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब पवन भैया फर्स्ट ईयर कॉलेज में दाखिल हुए, तब मैं और आरती 12वीं में थे। सुरेंद्र जी, दो मिनट आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी जी, मैं अभी आया। एक बात पूछे? बोलो पूर्णिमा। कैंसर बहुत बढ़ गया है ना, बेइलाज हो गया है ना? डॉक्टर, तुम और मैं इस कैंसर को ऐसा लठ लगाएंगे ना, ये दोबारा लौटने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मेरी एक बात मानोगे? अब अगर तुमने आखिरी आखिरी इच्छा वाली बात की ना, तो मैं अभी का भी ड्यूटी पे लौट जाऊंगा। आखिरी का तो पता नहीं, पर एक इच्छा है। बोलो। हमारी आरती और विक्रम भैया का पवन, आपने कभी उनको साथ में देखा है? मैंने कई बार उनको साथ में देखा है। तुम चाहती हो कि मैं विक्रम और गिरजा भाभी से बात करूं? जल्दी। यकीन नहीं करोगे सुरेंद्र, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। वाह विक्रम भाई, फिर गले मिलो अब तो। इतने दिनों से दोस्त थे, अब संधि बनेंगे। बस बच्चे हमारे खुश रहे। ये तो कॉमेडी हो गई। हम सोच रहे थे कि हमारे माँ बाप क्या बोलेंगे, बवाल होगा। तुमसे एक बात करनी थी। नहीं करनी शादी, कोई और मिल गया होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे शादी के बाद भी पढ़ना है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम ना पढ़ो, मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट। अरे पवन भैया, आरती अगले हफ्ते सगाई है और अगले साल शादी भी हो जाएगी। अब तो ये चौकीदार की नौकरी मुझे नहीं करनी पड़ेगी ना, जा सकता हूँ ना मैं। सगाई हुई, शादी होने ही वाली थी कि आरती की माँ यानी कि पूर्णिमा चाची का देहांत हो गया, तो फिर शादी कुछ समय के लिए टल गई। टूटी क्यों? हवा का रुख बदल गया था सर। तुम्हारे बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम्हारे लिए और उनके लिए भी। यहाँ से दूर जाने में काफी कुछ बदल जाएगा, और अगर यहाँ रहोगी तो यादें तम घोट देंगी तुम्हारा। पवन, मुझे तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाना है, तुमसे दूर मैं टूट जाऊंगी। तुम भी आओगे ना? गिरजा तैयार है, पवन तो हो गई, सुनील भी मान गया है, किसी बड़े शहर में जाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, फिर देहरादून जाकर दोनों परिवार मिलकर जिंदगी शुरू करते हैं, और बच्चे भी अच्छे कॉलेज में पढ़ सकेंगे। मैं देहरादून में पोस्टिंग ले लेता हूँ। तुम तो पोस्टिंग ले लोगे, लेकिन मैं तेरा मजदूर आदमी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, दोनों मिलकर जमा लेंगे। हम सब लोग यहाँ देहरादून आ गए। सुरेंद्र चाचा ने अपना घर ले लिया, हम लोगों ने भी किराए का घर ले लिया। पहले सब कुछ ठीक था सर, पर शहर की हवा, शहर आकर सब कुछ बदल गया। सगाई क्यों टूटी? क्या बात है सुरेंद्र, परेशानी है कोई? वो कुछ कहना था। क्या कहना? ये सगाई तोड़नी होगी, आरती की शादी पवन के साथ नहीं हो सकती। क्यों? पूर्णिमा भाभी की आखिरी इच्छा थी, शादी थोड़े समय के लिए हमने टाल दी थी क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे। आखिर बात क्या है भाई साहब? मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बस ये शादी नहीं हो सकती, इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। बस बस ऐसी बिना कोई कारण बताए। सुरेंद्र, हमारे बच्चों का प्यार है आपस में बरसों का, पर आगे पूरी जिंदगी पड़ी है बरसों की। मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहिए। मैंने आरती के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया,
एक बाप होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी बेटी की अच्छी जिंदगी के बारे में सोचूं। लेकिन आंटी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, एक शब्द भी नहीं। कोई और बात तो नहीं पापा? भगवान जाने, मैंने सुरेंद्र से कई बार पूछा, आखिर में वो बोला कोई और लड़का ढूंढ लिया है जो जो तुमसे बेहतर है, ऐसा उसने कहा। मैं आरती और उनसे बात करूंगा। पवन भैया एक बार आरती से मिले बस, फिर उन दोनों के बीच क्या बातें हुई क्या नहीं ये आज तक किसी को नहीं मालूम। फिर क्या हुआ? फिर क्या सर, भैया ने जान लड़ा दी पढ़ाई काम, हम सबके भागी खुल गए, कायाकल्प हो गया समझ लीजिए। फिर करुणा भाभी का रिश्ता आया, भैया ने हाँ बोल दी। आरती राणा सुरेंद्र राणा का घर कहाँ है? 7 साल पहले कहाँ रहते थे ये तो पता है सर, लेकिन अब भी वहां रहते हैं या नहीं ये नहीं मालूम। तुम उनका पता बताओ, बाकी सब हम पता लगा लेंगे। सर डेरा राणा का पुलिस थाने में ड्यूटी थी कांस्टेबल सुरेंद्र राणा की। ये जो एड्रेस दिया है जहां ये रहते हैं ये समर्पण कॉलोनी के पास ही है ना? जी सर। सुरेंद्र और आरती राणा का घर समर्पण कॉलोनी के करीब ही नहीं, काफी करीब। पुराने अंगारे फिर से भड़क उठे होंगे सर, या शायद बुझे ही नहीं हो। कुछ सवाल है हमारे पास आपके लिए आरती राणा जी। कोई अंगारे नहीं भड़क रहे थे सर, 7 साल पहले ही सारी आग बुझ चुकी थी, कोयला हो गई थी। पवन दहिया भी कोयला हो गया पूरा का पूरा। उस रात वो समर्पण कॉलोनी से निकला, फिर कुछ देर के लिए रास्ते में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन फिर यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर मीरबाग बाईपास पर उसे उसकी कार समेत जला दिया गया। पढ़ा मैंने न्यूज़पेपर में, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 7 साल पहले मर चुके रिश्ते में आप फिर से जान फूंकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। काम है हमारा आरती राणा, गड़े मुर्दे उखाड़ना, सवाल करना, शक करना। इसलिए सीधा सवाल, क्या उस रात 11:15 से लेकर 12:15 के बीच में पवन दहिया आपसे मिलने आया था? क्या 7 साल पहले बुझे हुए इन कोयलों में कोई अंगारा था जो अब भी सुलग रहा हो? इन 7 सालों में मेरा पवन दया के साथ कोई लेना देना नहीं रहा है, ना हम कभी मिले ना कोई बात हुई, कुछ भी नहीं। जब अंगारे आग थे तो रिश्ता पूरे जोश पर था, फिर अचानक बेवक्त बर्फ कहाँ से पड़ी? आप दोनों की सगाई क्यों टूटी? पर्सनल है, मैं शेयर नहीं करना चाहती। हमने तो सुना आपकी शादी भी फिक्स हो गई। आपके किसी भी पर्सनल सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहती, और आप लोग इस मैटर में मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपका फोन नंबर? आरती राणा, मुझे यकीन है हमारी मुलाकात एक बार फिर से जरूर हो, और उस वक्त आपके पास उन सवालों के जवाब भी होंगे जो मैंने अभी तक पूछे ही। फिर काम करो, लड़की का फोन सर्विलेंस पे डालो और उसके पुराने फोन रिकॉर्ड्स निकलो। लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है, ना सच ना झूठ। कांस्टेबल बाप को टैप करें सर? नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं। फिलहाल सिर्फ लड़की पर खबरें की नजर रखवा दो। करुणा और सुनील पर भी खबरी नजर रख रहे हैं सर। आरती राणा, सुनील दैया, करुणा दैया, इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा, पक्का झूठ बोल रहा। मम्मी जी, ये आरती वाली बात मुझे पहले कभी बताई क्यों नहीं गई? भैया ने क्यों नहीं बताई ये तो वही जाने, पर हमारे लिए ये कोई बात ही नहीं थी। आपके हमारे लाइफ में आने से 5 साल पहले ये आरती वाला किस्सा दफन हो चुका था। तो फिर अब कब्र से बाहर क्यों आया है? तुमने मुझसे सुरेंद्र और आरती के बारे में क्यों पूछा? क्या पवन आरती के पास चला गया है? नहीं पापा, आप भी ना, मतलब कुछ भी। करुणा बेटी, क्या उस रात पवन ने वाकई कहा था कि वो रात 11:30 तक लौटेगा? जी पापा। बेटी, ये जो सुरेंद्र था ना, इसके अंदर शहर की हवा ने चिंगारी भड़का दी थी, क्रूर की,
हैसियत की, वो था सरकारी नौकर और हम ठहरे दिहाड़ी मजदूर। उसके हिसाब से हैसियत नहीं थी हमारी उसकी बेटी के रिश्ते के लिए। बाबा आपने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। मैं पवन से प्यार करती हूँ। पवन तुम्हारी जिंदगी में बेड़ियां डालेगा और पंकज सीढ़ियां। लेकिन बाबा मैं पवन से प्यार करती हूँ और वो मैं बदल नहीं सकती। बदलना जिंदगी का दूसरा और सही नाम है बेटा। तुम्हारी माँ की मौत ने मुझे बदला, मैं इस शहर में आ गया। इस शहर ने मुझे बदला तो मुझे पंकज मिल गया। अब वो तेरी जिंदगी बदल देगा। वो हैसियत वाला लड़का है, खुश रखेगा तुझे। बाबा मैं पहले से ही खुश हूँ और मेरी खुशी का कारण सिर्फ पवन है। सुरेंद्र चाचा आपने सगाई तोड़ दी? हाँ पवन। पर क्यों? मुझे कोई दूसरा मिल गया, वो इसे अलग हैसियत दिलाएगा जो तुम इसे नहीं दे सकते। चाचा जी मैं कॉलेज में हर एग्जाम में फर्स्ट आ रहा हूँ और अगले साल कंपनीज की लाइन लगेगी मेरे लिए। लेकिन इस वक्त आरती के लिए जो लाइन लगी है उसमें तुम कहीं नहीं, इसलिए तुम इसकी जिंदगी से चले जाओ, वही हम सबके लिए अच्छा होगा। समझदार हो जाओ। यार टू मच, तुम करना चाहती हो, मैं करना चाहता हूँ, फिर क्यों? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं बाबा को हो क्या गया है, जब देखो हैसियत की बातें करते रहते हैं। यार 20 साल से आंधी तूफान साथ झेले तुम्हारे बाबा और मेरे बाबा ने, मेरी हैसियत कहाँ से आ गई? पवन प्लीज तुम विक्रम चाचा से बात करो ना, उन्हें बोलो कि वो फिर से कोशिश करें बाबा को मनाने की, प्लीज। सुनिल देखो विक्रम, जब मैं ना कहता हूं उसका मतलब ना होता है। कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचना छोड़ दो सुरेंद्र, वो बने ही एक दूसरे के लिए। आरती पंकज के लिए बनी है और इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। पवन को भी समझा दूं। क्या समझाऊं सुरेंद्र? कि मेरा बरसों पुराना दोस्त अब होने वाला संधि अपनी लड़की की सगाई इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि अब हम उसे उसकी हैसियत के नहीं लगते। छोटे लोग हैं वो, किसी पंकज पंकज के लालच में फंस कर हमें नहीं अपनी स्वर्गवासी पत्नी को दिया हुआ वादा भी तोड़ रहा है। पुलिस वाला रहा हूं जिंदगी भर, लोहे का दिल है, और ये पूर्णिमा को इन बातों में घसीट कर मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आखिरी बार कह रहा हूं ये सगाई टूट चुकी है, अब इस मसले पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। बस पापा आपने इतना किया काफी है। अगर आरती पंकज से शादी करना चाहती है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। क्या हुआ बेटा, खाना नहीं लगाया? क्या हुआ बेटा? बेटा तुझसे कुछ कहना था। वो पंकज से अब तेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों बाबा, कोई और बड़ी हैसियत वाला मिल गया है क्या? ना बेटा, उन्हें मिल गया तुझसे भी ज्यादा हैसियत वाली लड़की। लंदन वाली पार्टी है, पंकज तो मेरा फोन ही नहीं उठाता, खाली मैसेज छोड़ दिया उसने कि ये शादी नहीं हो सकती। Thank you.
आरती राणा के पिछले 2 साल के फोन रिकॉर्ड्स आ गए सर। आरती ने एक भी बार पवन दहिया को फोन नहीं किया, ना ही पवन का कोई फोन आया है आरती को। कोई दूसरा फोन? पवन के ऑफिस में, क्लाइंट्स के साथ, घर में, सभी से पूछा है सर। दूसरे फोन का कभी कोई जिक्र नहीं आया। सब आरती ने जिस लैंडलाइन से फोन किया था वो उसने उसके बाप को किया था, उसकी दुकान पर। आरती के पिता सुरेंद्र राणा पर क्या रिपोर्ट है? अरे भाई एक चाय पिलाओ जी। 2 मिनट भाई, उबल रही है। चाय तो गर्म थी साहब, लेकिन दुकान ठंडी, काम को कुछ हाथ लगा नहीं। अगर सुरेंद्र ने खुद ये सगाई तोड़ी थी तो फिर उसके बाद वो पवन को क्यों मारना चाहेगा या मरवाएगा? आग तो पवन के अंदर लगनी चाहिए थी सर। सगाई 7 साल पहले टूटी थी। अगर उनके रास्ते फिर मिले थे तो अतीत के अंगारे भड़के होंगे, लेकिन इस बार अंगारे आग नहीं बन पाए होंगे, क्योंकि अंगारों पर पानी फेरने के लिए करुणा जो खड़ी थी। आप अभी मान रहे सर कि पवन जिंदा है? प्रताप, जब तक मेरे हाथ में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, मैं पवन दहिया को जिंदगी और मौत के बीच की लकीर पर खड़ा मानता रहूंगा। साहब एक बात बोलूं? बोलो प्रवेश। आप उस सुरेंद्र राणा की दुकान पे जो काम करता है ना सूर्या, उसको चाय की तरह थोड़ा उबालिए, वो जरूर कुछ ना कुछ काम की बात बकेगा। उठाते हैं सूर्या को और पवन दहिया के ऑफिस भी होकर आते हैं, देखते हैं कि वो इस खेल में कितना धसा हुआ। पवन सर जिंदा कैसे हो सकते हैं सर? आप ही लोग तो बोलते हैं कि वो गाड़ी के साथ जल गए। हम अभी ये भी बोल रहे हैं कि शायद वो एक चाल थी, एक गेम था। क्या तुम शामिल हो इस गेम में? क्या योग्यता पवन को मैसेजेस देती है? सर मैं शामिल नहीं उस गेम में सर, और योग्यता का मुझे पता नहीं। सर मैं झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलने का कोई कारण भी तो होना चाहिए ना। झूठ बोलने का कोई कारण नहीं, इसलिए सच सच बताओ, पवन दहिया के भाई सुनील दहिया का इस कांड में क्या हाथ रहा? सर सुनील जी तो पहली बार यहाँ आए हैं पवन सर की डेथ, मेरा मतलब है जो भी हुआ उसके बाद, और वो जब से आए हैं वो तब से एक ही काम कर रहे हैं। अपने भाई पवन दहिया को छुपाने का? जी नहीं सर, पवन सर के नाम पे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या शेयर हैं उन्हें उनकी वाइफ करुणा जी के नाम पे ट्रांसफर कराने का। एक ही बात बार बार पूछने से और बार बार बोलने से क्या होने वाला है? फिर से कह रही हूँ कि उस रात 1 जुलाई को जब मैंने 11 बजे अपने पति को फोन किया तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो 11:30 बजे तक पहुंचेंगे बस। क्या पवन के पास कोई दूसरा फोन था? जी नहीं सर। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गाड़ी में कंकाल पाया गया था वो किसी और का था? हो सकता है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं, क्योंकि इस कांड का कोई मकसद अभी तक सामने नहीं आया। मेरा एक सवाल है। पूछिए। क्या वो उस जो भी नाम है उसका राणा, आरती राणा, क्या मेरे पति उससे टच में थे? क्या वो उसके साथ थे उस रात? देखिए वो तो मना कर रही है, और उसकी बात को गलत साबित करने के लिए हमारे पास कोई गवाह भी नहीं। अब अचानक से हमारे सामने कोई विटनेस आ जाए तो हमारी किस्मत। हमें तो नौकर आदमी है, उनकी चाय की दुकान पे काम करता हूँ बस, भला मुझे कैसे पता हो सकता है उनकी बेटी के बारे में? सुरेंद्र राणा 2 साल पहले रिटायर हुआ था पुलिस फोर्स से, तब से ही उसने चाय की दुकान खोल रखी है। तू भी 2 साल से काम कर रहे ना उसके? पवन दहिया का आना जाना होता था उनके घर? मैं क्या जानूं साहब, 2 साल में मुश्किल से 2 बार उनके घर के अंदर गया हूं मैं। सर पवन दहिया, सुनील दहिया, करुणा दहिया, विक्रम दहिया, गिरजा दहिया, आरती राणा, सुरेंद्र राणा, मुकेश राठौड़, योगिता राजपूत और कृष्णा चौहान, ये इन सभी के सेलफोन रिकॉर्ड्स हैं सर। ये लैंडलाइन रिकॉर्ड्स हैं पवन दहिया के ऑफिस के। सर दहिया परिवार के घर के, आरती के घर के, योगिता के घर के और कृष्णा के घर के, इन सभी के फोन सर्वेलेंस पर हैं, लेकिन किसी के भी फोन रिकॉर्ड से 2+2 नहीं हो रहा है सर। सर सब कुछ लैब को डिस्पैच हो गया, 1-2 हफ्ते और लगेंगे, और हमारी कोई भी कोशिश अभी तक खाता नहीं खोल पा रही है। सर मैं कोशिश करता हूँ कि डीएनए रिपोर्ट्स और जल्दी आ जाएं। सर फॉरेंसिक ऑफिसर ने हमसे कहा था कि हमें जो कंकाल मिला है पवन दहिया की जली हुई कार में, वो कंकाल डमी नहीं है, वो कंकाल किसी इंसान का ही है। तो अगर वो कंकाल पवन दहिया का नहीं है, किसी और का है, तो इस किसी और की मिसिंग कंप्लेंट कहीं भी दर्ज नहीं हुई है सर। शायद इस शख्स का पवन दहिया के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। हमारे सामने इतने सारे लोग हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक कंकाल है, 2 अंगूठियां हैं, जली हुई कार है, जला हुआ लैपटॉप है, टूटी हुई मंगनी है और जलाकर राख करने की धमकी है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सारे फोन रिकॉर्ड्स भी क्लीन है सर। हमारे सामने ये केस है जिसमें हमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस खेल के खिलाड़ियों के बीच में कोई भी इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं।
मान लो डीएनए रिपोर्ट आती है और उससे ये साबित हो जाता है कि वो कंकाल पवन दैया का ही है, फिर केस आगे बढ़ेगा कैसे? हम तो वहीं के वहीं हैं। मेरा बेटा कहाँ है सुरेंद्र? मुझे क्या पता? तुम सच कह रहे हो? पवन क्या तुमसे मिलने नहीं आया था? वो यहाँ नहीं आया था? कहाँ चला गया? वो मेरा अच्छा बेटा है, हमारे पूरे परिवार की नींव है। आज जो भी हमारी हैसियत है उसके खून पसीने की वजह से है। ढूंढ निकालूंगा मैं उसे, मेरा बेटा कहीं नहीं जा सकता, यही कहीं है वो, यही कहीं। मैं जानता हूं सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बेटा पवन तुमसे शादी करना चाहता था, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी ना, तुम मुझे भी बहुत पसंद थी, मेरी बेटी हो तुम। तुम्हें पता है पवन कहां है? वो पवन क्या तुम्हारे पास है? चाचा पवन को मत ढूंढिए, अब वो कभी नहीं लौटेगा। क्यों, ऐसे कहां चला गया? वो कहीं गया नहीं है, वो बस आया था, पर पता नहीं क्यों मुझे मालूम है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। आरती राणा, याद है मैंने तुमसे कहा था फिर मुलाकात होगी और उस वक्त तुम्हारे पास पूछे गए सारे सवालों के जवाब होंगे। एक साल पहले पवन मेरी जिंदगी में फिर से आया था, नमस्ते सुरेंद्र अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? आप देख ही रहे हैं। तो रिटायरमेंट के बाद ये खोला आपने? हाँ हाँ। भाई एक चाय देना। जी सब। बस यहां से गुजर रहा था, आपको देखा तो सोचा मिल लूं। अच्छा किया बेटा, जगह कब खरीदी आपने? किराए की है बेटा। अच्छा, और आरती? अब तो बच्चे बच्चे बड़े हो गए होंगे उसके। चाचा उसका पति क्या करता है? सॉरी मैं नाम भूल गया उसका। ये लीजिए। नहीं बेटा रहने दो। अरे रख लीजिए चाचा, पैसों को ना नहीं करते, अब यही तो आदमी के औकात बताते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि हम कहां रहते हैं और कैसे रहते हैं, एक बड़े बंगले में। सुनील और मैं एक और बंगला बनाने जा रहे हैं, अभी वाले से दो गुना बड़ा। वो क्या है ना अंकल, हैसियत बढ़ गई है हमारी। अब तो मैं ऐसी छोटी मोटी चाय की दुकान पर आऊं भी ना, वो तो आप दिख गए तो सोचा पूछ लूं कि आपकी हैसियत बढ़ गई है या घट गई है। वैसे आरती का बंगला कहाँ पड़ता है? क्या नाम था उसका, पंकज? आरती खुश तो है ना उसके साथ? पवन छोड़ दो। छोड़ तो आपने हमें दिया था और हमने जाने दिया, अब देखिए ना जा जा के आप कहां पहुंचे और मैं कहां। और उसी दिन पवन हमारे घर आया। उन्होंने तुम्हें मुझसे छुड़वाया,
एक अमीर लड़के के लिए, और उस अमीर लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया एक और अमीर लड़की के लिए। यह है हमारी लव स्टोरी आरती। किस्मत भी कोई चीज होती है। तुमने शादी की? पर प्यार मैंने हमेशा तुमसे किया आरती, बचपन से। मैंने कभी उसकी शादीशुदा जिंदगी पर सवाल नहीं किए। मैंने उसे कांटेक्ट नहीं किया था, ना ही उसने मुझे कांटेक्ट किया था। बस मिल गए थे दोबारा, जब जब वक्त मिलता था वो आता था मिलने। खुश रहते थे हम दोनों थोड़ी देर के लिए ही सही। मुझे उसका इंतजार करना अच्छा लगता था, उसका मेरे पास आना अच्छा लगता था। बाद में जाकर पता चला कि पवन मेरे बाबा से भी मिलने आता था। वो क्यों? खाने में बैगन का भरता बनाया आज? जी। खीर भी बनी थी? हाँ। पवन के लिए बनी थी? जी। पवन यहाँ कई दिनों से आ रहा है, सच है? सच है। जानना नहीं चाहोगे? मुझे कैसे पता चला? एक चाय देना भाई। चाचा बढ़िया खाने के बाद मजेदार चाय तो बनती है ना। बैगन का भरता, गर्मा गर्म फुलके और ठंडी मीठी खीर, वो भी आरती के हाथ की बनी हुई खास मेरे लिए। ये होता है मेन्यू कार्ड। वैसे खाने से पहले हम दोनों के बीच में क्या हुआ आपके उस छोटे से घर में, उसका भी मेन्यू कार्ड सुनाऊं? पवन, तुम शादीशुदा हो, दूर रहो आरती से। मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मेरी पत्नी होनी चाहिए थी आरती, जिसे आपने होने नहीं दिया। अब मैं और आरती पति पत्नी वाले संबंध में ही हैं, समझो। आरती मेरे लिए सब कुछ थी, सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, मेरी आरती। लेकिन आपने उसी आरती की आग से उसी को जला डाला, और मुझे भी राख कर दिया आपने दोनों की जिंदगी। बस कर, अब तो बस मैं कर रहा हूं। आपकी बेटी आज मेरी जिंदगी में दूसरी औरत बन के रह गई है, और आप जिसे अपनी हैसियत पे इतना घमंड था, आज दो कप चाय बेचकर एक रोटी भी नहीं कमा पाता। उसे तो तरक्की ने अंधा कर दिया, लेकिन तू, तुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं आती? आज से 7 साल पहले आप भी तो अंधे हुए थे ना बाबा। हैसियत की पट्टी बांध ली थी आपने अपनी आंखों पर, और अब आपकी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक आदमी से प्यार करती हूँ, और वो है पवन। वो इस्तेमाल कर रहा है तेरा। तो आपने क्या किया था? आपने भी तो अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए मेरा इस्तेमाल ही किया था ना। शादीशुदा है वो, तोड़ दे रिश्ता आरती। अब मैं कुछ नहीं तोड़ूंगी बाबा, ना ये रिश्ता और ना पवन की शादी। और अगर कुछ तोड़ना चाहिए था ना, तो हम दोनों को हिम्मत करके आपकी जिद को तोड़ना चाहिए था। कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आपकी वजह से दो जिंदगियां बर्बाद हो गई। पवन दैया, इस वक्त कहां है आरती? वो कहीं नहीं है, वो अब है ही नहीं। उस रात 1 जुलाई को वो हमारे घर आया था। एक दोस्त से मिलने आया था, सोचा एक और दोस्त से मिलता चलूं, कुछ
खाने के लिए है? उसने खाना खाया और फिर वो चला गया। उसके बाद क्या हुआ ये मेरे लिए उतना ही अनजान था जितना पवन का मेरी जिंदगी में लौट आना था। गोभी के परांठे, काली दाल, खीरे का रायता, आज तो खाने में कुछ अलग ही बात थी। तो बाज नहीं आओगे, यहां आना बंद नहीं करोगे? बिल्कुल बंद नहीं करूंगा। आरती को जो पसंद। तुम शादीशुदा हो, एक पत्नी है तुम्हारी। आरती भी मेरी बीवी से कुछ कम नहीं है। और रही बात खाने की, प्यार का भी अपना एक स्वाद होता है कांस्टेबल साहब। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आरती और मेरा फिजिकल रिलेशनशिप है, और इस रिश्ते से ना ही आरती को कोई एतराज है ना ही मुझे। और तो और, अब तो मुझे अपनी बीवी को तलाक देकर आरती के साथ शादी करने की जरूरत भी महसूस नहीं। मैं पवन से प्यार करती थी, मैंने उसे नहीं मारा है, बाबा ने मारा है। लेकिन ये सच है कि उसकी लाश को ठिकाने लगाने में मैंने बाबा की मदद की थी। सुरेंद्र राणा और सूर्या दोनों को कस्टडी मिलो। जी सर। जो तुमने अभी मुझे बताया, क्या यही सच है? पूरा सच? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा और पवन दहिया का रिश्ता इसी तरह चलता रहे, इसके लिए किसी और को जला दिया गया? बड़ी हिम्मत करके मैंने आपको सारा सच बताया। मानना ना मानना आप पर है, क्योंकि ना तो अब मेरे पास कुछ बताने के लिए है और ना ही छुपाने के लिए। पवन लौटेगा क्यों नहीं सुरेंद्र? नहीं लौटेगा विक्रम भाई, मैंने अपने हाथों से उसका कत्ल कर दिया। इतने दिन मुझे बताया क्यों नहीं? हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही थी सच का सामना करने की कि पवन नहीं रहा। लेकिन अब जाकर पता चल रहा है कि वो इस दुनिया में क्यों नहीं रहा। सुरेंद्र राणा के कबूल नामे से यह साबित हुआ कि आरती सच बोल रही थी। उसे धारा 201 के तहत कत्ल के सबूत को छुपाने के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया और बाद में बेल भी हुई। पवन के घर वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पवन को इस तरह से मार दिया गया, खासकर पवन के पिता को, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पवन एक ना एक दिन जरूर लौट कर आएगा। करुणा सुन्न पड़ गई है। एक तरफ पति को खोने का दुख है, तो दूसरी तरफ उस पति का एक ऐसा पहलू सामने आया जिसने उसके भरोसे को तोड़ा है। जाहिर है कि सुनील का इस केस से कोई लेना देना नहीं था, और ना ही ऑफिस के स्टाफ का। हाँ शशि, डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है? सर वो कंकाल पवन दहिया का ही है। अगर नहीं भी होता तो कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं थी। बेइज्जती, बदला, प्यार के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं और करवाते हैं। सर आधे घंटे में मैं रिपोर्ट थाने भेज रहा हूँ। ठीक है, हम चार्जशीट फाइल करते हैं। पवन दहिया मर्डर केस अब क्लोज होता है। स्टेटस, हैसियत, ये हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखना एक बिल्कुल जायज इंसानी फितरत है। लेकिन उस हैसियत का घमंड करके किसी को अपनी औकात दिखाना, उसका अपमान करना, ये ना सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि बर्बादी की रेसिपी है। हर जुर्म की कहानी दरअसल एक ऐसी कहानी होती है जिसका अंत कुछ और ही हो सकता था, लेकिन ऐन मौके पर, एक अहम मोड़ पर, जुर्म की चिंगारी इन कहानियों में ऐसे अंगारे पैदा करती है जो बार बार यही साबित करते हैं कि जुर्म सबको राख कर देता है। अगर आरती और पवन की शादी हो जाती तो शायद इस जुर्म का फन कभी उठता ही नहीं, और अगर मंगनी टूट जाने के बाद पवन दोबारा से आरती की जिंदगी में दाखिल नहीं होता तब भी यह जुर्म नहीं होता। एक बारीक लकीर होती है सही और गलत फैसलों के बीच,
पर हर किसी का जमीर एक बार तो लाल झंडी दिखाता ही है, उसकी कदर करने में समझदारी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।